तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अय्यर भाई आप मुझे क्या कह रहे थे? मेरा क्या है क्रीम वाला माइंड, मतलब क्रीम वाला नहीं, अरे क्रिमिनल माइंड। म्हणजे काय क्रिमिनल? म्हणजे नाही काहीच नाही, ऍक्च्युली काय अर्थ नाही बच्चो, क्या बात है, पहिले ताली तो बनती है बच्चों के लिए। हाँ बराबर, करेक्ट है, करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच कि आपने वो पोपटलाल को रोक के रखा। इट्स ओके भिड़े अंकल, अब ये तो बताइए कि सोना मिला कहाँ से? ओ जी बताएंगे ना तो हंसोगे तुम लोग। हंसाओ ना, मतलब बताओ ना, बताइए ना, बताइए ना भिड़े अंकल कहाँ से मिला सोना? यही इसी घर से पड़ा। उत्तरे मतलब? अरे क्या हुआ बच्चों, हमने चालू पांडे जी को बुलाया। तो इस तरह से फाइनली जेठाल के घर पे ही सोना मिला है। ये तो ऐसी बात हो गई, बगल में छोला और गांव में भटूरा। भटूरे बेबी ये गोले है। एक्सक्यूज मी गुलाब कुमार, अभी लगता है छोले भटूरे का है। किसने कहावत बदल दी? कहावत ऐसी है बाड़ा, बगल में छोरा शेर में ढिंडोरा। अब मैं क्या बोलती हूँ, अभी पोपट अंकल के गहने भी मिल गए हैं, तो इसी बात पे गरबा हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। तो फाइनली आपका टेंशन खत्म। अभी मैं चैन से सो पाऊंगा। लाइए डिब्बा दीजिए, मैं अच्छे से रख देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डिब्बे के साथ सोने वाला हूँ। हाँ मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, पड़ोसी धर्म निभाने की जिम्मेदारी ली है ना मैंने, मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। नहीं नहीं मैं मेरे साथ रखेगा, कोई टेंशन नहीं। चल डिब्बा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो बोलो बोलो। गहने पहन के सो जाइए। सोपना आता। चुम्मरा शुरू हो गया है, भिड़े के घर जाकर सोने के गहने ले लेता हूँ। कुछ भूल रहा हूँ मैं, क्या भूल रहा हूँ? छाता है, टोपी, चश्मा, घड़ी, सब तो है। हाँ सोने को छुपाने के लिए सब्जी का थैला। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ आओ पोपटलाल, आओ आओ आओ, क्या टाइम पे आए हो तुम, वाह बैठो बैठो। अरे वाह, पाजी भाभी के हाथ के गर्मा गर्म नाश्ते की खुशबू आ गई। या पड़ भौजी, बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। पानी बांधते हैं पहले नाश्ता। आपने पोहे बनाए ना, मुझे खुशबू आ गई। सॉलिड थे। लाते लाते। जा भाई तू भी लेके आ। मैं क्यों जाऊँ, वो लेके आएगी ना अकेले। अरे मैं डिब्बे की बात कर रहा हूँ। मतलब तुम यहाँ पे नहीं खाने वाले पोहे, डिब्बे में लेके जाओगे? मारूंगा भिड़े, तुझे अच्छी तरह से पता है मैं किस डिब्बे की बात कर रहा हूँ, सोने के गहनों के डिब्बे की। कहाँ पता है, मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, एक मिनट। ए तुम्हारा डिब्बा यहाँ पे रखा हुआ है। ये लो। एक मिनट, क्या हुआ? राहु काल का असर खत्म हो गया ना अभी, वो क्या नाम था, शंकर जी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ना? कौन शंकर जी? अरे गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल सब 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 ओके है अभी, मेरी सुबह ही उनसे बात हुई।
उन्होंने बोला जल्द से जल्द दे दो। तो दे दिया। एक मेरा ये क्या कर रहा है? क्या मेरी दादी माँ बोलती थी कि जब भी ऐसे किसी को सोना दो तो उसको चिमटी काटो ताकि उसको याद रहे कि दिया है। मुझे क्यों? मेरी दादी ने भी कहा है किसी से अगर सोना लो तो उसे चिमटी काटो ताकि उसको भी याद रहे। हाँ पोपटलाल, पहले चेक करके देख लो सब बराबर है कि नहीं। पर इसमें चेक क्या करना है? मुझे तुझ पर भरोसा था तभी मैंने तुझे संभालने को दिया था। मुझे यकीन है कि तूने एक सेकंड के लिए भी इस डिब्बे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया होगा। अब क्या बताऊं, पूरे गोकुलधाम का दर्शन करके आया है डिब्बा। भिड़े एक मिनट, ये पहले थैली में डालो। बस अभी बोलो भिड़े। दोस्त क्यों? सच में दोस्त तो तेरे जैसे, वरना ना। अरे अरे पोए पोए क्या गरमा गरम पोए। अरे वाह, फर्स्ट क्लास पोए बने माधवी बाबू। इतने अच्छे पोहे कैसे बना लेती है? बस बन जाते हैं। पोपटलाल, ये डिब्बा कहाँ रखने वाले हो? लॉकर की व्यवस्था हो गई? नहीं, बस अब यहाँ से मैं जेठाल के घर पर ही जा रहा हूँ पूछने के लिए कि लॉकर का क्या हुआ। कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लेगा। अरे बैंक से मैनेजर साहब का फोन। बोलिए बोलिए दास बाबू, सुबह सुबह कैसे याद किया? आपने बोला था ना आपके दोस्त को बैंक में लॉकर चाहिए। एक लॉकर अवेलेबल है, अपने दोस्त को आज ही बैंक भेज दीजिए, हम फॉर्मेलिटीज पूरा करके उनको लॉकर दे देगा। थैंक यू दास बाबू, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं उनका बोल देता हूँ, अब भी फटाफट एक आध घंटे में पहुँच जाएंगे बैंक। ठीक है भेज दीजिए। ओके ओके, चलो पोपटलाल को एक खुशखबरी दे देता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे पोपटलाल, 100 साल जियोगे तुम। अच्छा क्यों? मैं अभी तुम्हें याद कर, अरे मैं तुम्हें फोन ही लगा रहा था इतने में तुम आ गए। अरे क्या हुआ क्या? बैंक से मैनेजर साहब का फोन था, तुम्हारा लॉकर हो गया है। अरे थैंक यू जेठाला, मुझे पता था कि तुम्हें कोई काम सौंपा हो, और ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कब जाना बैंक में? अभी फटाफट पहुंचो बैंक में, तो मैनेजर साहब ने फॉर्म वॉर्म सब रेडी रखा है। अच्छा तुम भी चलो ना मेरे साथ। मेरे आने की जरूरत नहीं है, वहाँ वो दास बाबू करके मैनेजर है, मेरा नाम देना, वो दे देंगे लॉकर तुम्हें। नहीं नहीं, वो तो दे ही देंगे, लेकिन वो क्या है ना, लॉकर में रखने के लिए मेरे पास जोखिम है। अच्छा क्या? तुम किसी को बताना नहीं? अरे पूरी सोसाइटी को पता है भाई। नहीं नहीं, मैं क्यों किसी को बताऊंगा। वो एक्चुअली नया लॉकर मुझे सोने के गहने रखने के लिए चाहिए था। सोने के गहने? वो मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए धीरे धीरे करके 20 लाख के गहने बनवाए हैं। 20 लाख? हाँ, तो इतना जोखिम लेकर मैं अकेला जाऊं? नहीं नहीं ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। वैसे चाचा जी नहीं दिखाई दे रहे? उनको भी साथ ले जाना है बैंक? नहीं नहीं, मैंने सोचा नया लॉकर मिला है तो उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ, ताकि ऐसे भविष्य में कभी मुझे लॉकर के लिए यहाँ वहाँ ना भागना पड़े। नहीं अच्छा अच्छा आइडिया है, लेकिन बापू जी आज थोड़ा जल्दी निकल गए दर्शन करने के लिए मंदिर। एक काम करते ना, जाते जाते रास्ते में से मैं फोन पे आशीर्वाद दिलवा दूंगा, चलेगा? अरे चलेगा चलेगा, चले। एक 10 मिनट में जरा सूरज दादा को जल अर्पण कर दूं। हाँ कर दो कर दो। थैंक यू भगवान, जिस तरह से इतनी जल्दी नया लॉकर मिल गया, उसी तरह इन गहनों को पहनने वाली भी जल्दी से मिल जाए, ऐसी कृपा करना। आहो चला झोपायला। आहो कहाँ खो गए? अरे देखो ना माधवी, क्या मस्त बारिश हो रही है। ए माधवी, अरे इतना मस्त मौसम है माधवी के लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन हो रहा है। करे हाँ तो चले। कहाँ?
लॉन्ग ड्राइव पे, सखाराम पे, लॉन्ग ड्राइव पे, भीगते भीगते क्या? अभी फोर व्हीलर चाहिए लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, थ्री व्हीलर नहीं। आज हमारे पास कार होती तो ले लेते ना। तुम हुक्म करो माधवी, कार कल के कल आ जाएगी, फिर मैं मस्त भी तुम्हें कार में लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। यहाँ यहाँ बैठो 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 बैठो, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। नहीं इस तरफ इस तरफ चल रहे हैं। अरे राइट हैंड ड्राइव है ना, इंडिया में रहते हैं हम लोग। चलो सीट बेल्ट बांधो। तो क्या है इसका? अरे सीट बेल्ट ना ही, अभी हमें कार लेनी है और ना ही सपनों की बारिश में हमें भीगना है, कर लो। क्यों? क्योंकि कार के पहले दूसरे खर्चे जरूरी है, उस पे ध्यान देना जरूरी है हमें। मतलब? मतलब धीरे धीरे अभी सोनू के शादी के लिए गहने जमा करने होंगे ना, पोपट भाऊजी की तरह। पोपटलाल सोनू की शादी के लिए गहने जमा कर रहा है? काय बोलता है, पोपट भाऊजी ने नहीं अपनी होने वाली बीवी के लिए गहने जमा करके रखे है, वैसे ही हमें सोनू के शादी के लिए गहने जमा करके रखने पड़ेंगे ना। अरे उसकी तो याद ही मत दिलाना, वो सोने के गहने संभालने क्या लिए, इतना बड़ा हंगामा हो गया, नको थे सोने के गहने। तो मतलब अभी सोनू के शादी के लिए गहने नहीं जमा करने? नहीं नहीं, सोनू के लिए हम लोग गहने खरीदेंगे, लेकिन अभी सोनू बहुत छोटी है, उसकी शादी की बात मत करो, उसकी शादी के अभी बहुत समय है। तो समय तो कार लेने में भी है, उसकी बात कर रहे हैं ना अभी आप। अरे गाड़ी लेने के लिए कहाँ समय लगता है माधवी, तुम बोलो तो सही, कल के कल कपोर्ट में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, बोलो। अभी ना आप कार का नाम ही मत लो, क्योंकि कार खरीदने के लिए ना ही हमारा बजट है और ना ही हमारी उतनी बचत। ठीक है माधवी, प्यार का बजट तो है ना? हाँ, वो बहुत है। हाँ, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो मेरी माधवी और सोनू को हमेशा खुश रखे और मुझे इतनी शक्ति दे कि तुम दोनों के सारे सपने में साकार कर सकूं। आपके सारे सपने पूरे होंगे, बगा तुम्हें। आज तो फिर तुम देखना माधवी, हम सोनू के लिए बहुत सारे गहने भी लेंगे और कार भी। लेकिन गहने पहले आ? हो सरकार, अभी बहुत हो गई तकरार, मस्त मौसम है बाहर और मेरे दिल में है प्यार। सुबह उठ के बनाना है मुझे अचार, तो अभी सो जा। चला चला चला। आज क्या सुविचार लिखूं? सुप्रभातम भिड़े मास्टर। ओहो सुप्रभात पोपटलाल, क्या बात है, एकदम 70 mm स्माइल, बहुत खुश लग रहे हो आज। अरे भाई हमेशा खुश रहना ही चाहिए, हम खुद हंसेंगे तभी दूसरों को हंसा पाएंगे, दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। वाह 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 पोपटलाल, तुमने तो मुझे आज का सुविचार दे दिया भाई। खुद हंसते रहो, दूसरों को हंसाते रहो, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। वाह, अरे थैंक यू बेड़े, लिख ले फर्स्ट क्लास सुविचार है, और नीचे मेरा नाम भी लिख देना। इस महान सुविचार के लेखक है पत्रकार पोपटलाल। नहीं भाई पोपटलाल, ऐसा नहीं हो सकता, रोज मैं सुविचार लिखता हूँ, मैं अपना नाम थोड़ी लिखता हूँ। तो लिखना मना किसने किया है? तू जब सुविचार लिखता है तो तेरा नाम लिख, आज मैंने सुविचार दिया तो मेरा नाम लिख। अरे क्या मेरा नाम लिखो, आज तुम्हारा नाम लिखा ना मैंने, तो कल सभी मुझे अपना नाम लिखवाने के चक्कर में सुविचार भेजेंगे, रोज मुझे 200 सुविचार के मैसेज आएंगे, तो क्या सबका नाम लिखता बैठूंगा मैं? नहीं, तुम्हारा नाम लिखना कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकता है, तो नाम नहीं होता है भाई ऐसे लिखने में। सुबह सुबह ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अरे देखो ना हाथी भाई, तो पहली बार अच्छी बात कही। ए भाई नहीं मतलब एक अच्छी बात बोली, तो मैंने बोला कि मैं इसको सुविचार के तौर पे लिखता हूँ, तो बोल रहा कि उस सुविचार के नीचे मेरा नाम लिखो। सही बात है, देख नहीं मेरा कहने का मतलब है कि पोपटलाल ये तो गलत बात है, किसी से लिखवा कर हमें हमारा नाम नहीं करना चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग खुद हमारा नाम ले। वाह वाह हाथी भाई, ये भी एक सुविचार जैसा ही है, मैं ये सुविचार लिखता हूँ, तो नीचे मेरा नाम लिखना। हाथी भाई ये तो गलत बात है, मैंने सुविचार दिया और मेरा नाम लिखने के लिए बोला, तो आपने मुझे मना किया और आप बोल रहे अभी आपका नाम लिख दो, ऐसा थोड़ी होता है हाथी भाई। अरे पोपटलाल मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं फिर ठीक है, ऐसा भिड़े मैंने जो सुविचार के नीचे मेरा नाम लिखने के लिए बोला ना, उसके पीछे मेरी गहरी सोच छिपी हुई है। अच्छा वो क्या? भाई सुविचार के नीचे अगर तू मेरा नाम लिखेगा ना तो मेरी शादी हो जाएगी। अरे कमल पोपटलाल, यहाँ पे नाम लिखने से तुम्हारे शादी का क्या संबंध है? बता क्या है ना, तू सुविचार लिखेगा, उसके नीचे मेरा नाम लिखेगा,
और अगर लड़की वाले मुझे देखने के लिए सोसाइटी में आए, तू विचार पढ़ा, उसके नीचे मेरा नाम पढ़ा, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना। पुपटलाल, मैंने अभी कहा ना कि अपने कर्म से अपना नाम करो, हाँ? सही बात है। वैसे पुपटलाल, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? अरे जाना है ना, मैं भीड़ की तरह फ्री थोड़ी बैठा हूँ। ओहो पोपटलाल, मैं भी फ्री नहीं बैठा हूँ, बहुत काम होते हैं मुझे। अरे तो फ्री है ना भाई, पूरा दिन जब मन किया थोड़ा बहुत काम कर लिया, मन किया तो ब्रेक ले लिया, काम क्या है तुझे? हमारी तरह थोड़ी है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, रात को 9 बजे आओ, पूरा दिन ऑफिस में काम करो, बीच बीच में फील्ड में जाओ। अरे पोपटलाल, किस गलत फहमी में हो तुम? एक बार मेरे साथ पूरा दिन बिता तो पता चलेगा तुम्हें कितना काम करता हूँ और कितना फ्री बैठा हूँ। और बस 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 भिड़े हैं भाई, तेरे पास बहुत टाइम है बड़बड़ करने का भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। आती भाई आप ही समझाओ इसे। समझाओ इसे मतलब, ओए ओ पोपटलाल, ओ देखो भिड़े मास्टर। हाथी भाई, और आप भी पोपटलाल ने बोला, आप मुझे समझाने लग गए। आपको पता नहीं मैं कितना काम करता हूँ, सोसाइटी के काम होते हैं, ट्यूशन के काम होते हैं। एक मिनट भिड़े मास्टर, मैं समझा नहीं रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितने समझदार हो, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि पोपटलाल तो तूफानी है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। हाँ वो पता है मुझे, देखो ना सुबह सुबह काम के बाद टाइम पास करके चला गया। भिड़े मास्टर, मैं टाइम पास के लिए नहीं आया हूँ, मुझे घर जाके एक अर्जेंट काम है। ओ दाल पकवान खाना। तुम खाओगे तो चलो। नहीं नहीं आप खाइए, चलो। ओके ओके। खुद हंसते रहो, दूसरों को हंसाते रहो, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। टेम्पू किसके घर आया हो? ए, 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 क्या करा? अरे ब्रेक पर, ब्रेक पर, ब्रेक पर, ए, ब्रेक पर, ब्रेक पर, ब्रेक पर। अरे काकले किले, हाँ क्या है? किसके घर जाना है आपको? अरे आत्मिया, अरे तेरे को भी मिलने को आया। अरे दामोदर, हाँ हेलो मावशी, हाँ इकडे मुंबईला आलो मी, आई है ना घरी, पर वापस आल्यावर फोन करतो तुम्हाला। हाँ ठेवू का? अरे अरे दामोदर, 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 क्या बात है, पर झालो इकडे भेटला तू। अरे वो ठीक है, लेकिन ये ड्राइवर कौन है भाई, मुझे उड़ा देता अभी। अरे मैंने बोला था तेरे साथ मजाक करने को। दामोदर, घर में सब कैसे है? माधवी वहिनी, सोनू बाड़ा। अरे सब सब मजे में, तू बोल तू कैसा है, काकू कैसी है, मावशी कैसी है? अरे सब मजे में है, हमें ना गांव में सुकून वाली जिंदगी जीते हैं, ऐसे तुम्हारे जैसे शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं जीते। क्या करे दामोदर, नसीब अपना अपना, अभी मेरे नसीब में शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी लिखी है। अरे अम्मी क्या यहाँ पे खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, चल घर चल घर चल। अरे नहीं आत्मिया, हम गांव वाले भी व्यस्त होते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जीजा जी के घर पे पूजा है और टाइम पे पहुँचना है। अरे दाशील रे, 2 मिनट तो चल। अरे नहीं नहीं, फिर कभी, 4 बजे मुझे गांव के लिए वापस निकलना है। तो तुम क्या मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलने के लिए आए थे? अरे नहीं नहीं आत्मिया, वो तेरे विनायक काका है ना, उन्होंने खास गांव से तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी? वो क्या है ना, साउथ का टेम्पो मुंबई आ रहा था और मुझे भी थाना जीजा जी के घर पे आना था, तो मैंने विनायक काका को बोला चिट्ठी मेरे पास दे दो, मैं दे देता हूँ आत्मिया को। ये रही तेरी अमानत। अच्छा ओके, अरे वाह, थैंक यू दामोदर। चल आत्मिया, आता आम्ही निघतो, हाँ जीजा जी के घर जायचं आहे। ठीक है अभी मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार आओगे ना तो रुकोगे, ध्यान में रखना। अरे बिल्कुल, तुझे घर ही थाम बैला चाहिए हुआ बा। राम 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 राम। वाह वाह वाह, आज के जमाने में मेरे लिए चिट्ठी आई है, वाह। क्या लिखा है काका ने?
आत्माराम बेटा, राम राम, राम राम काका। तुम सुनबाई माधवी और मेरी प्यारी सोनू कैसे हो? सब सब मजे में। आत्माराम बेटा, पिछले दो साल से अचानक गिरी बारिश की वजह से आम की फसल अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और कमाई भी अच्छी हुई है। उसी कमाई से तेरे हिस्से के 3,42,658.65 का चेक भिजवा रहा हूँ। परम करम भिड़े 3,42,658.65। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा चेक मिला है। गणपति बाप्पा मोर यार, थैंक यू बाप्पा, थैंक यू। ये क्या लिखते हैं काका? बाकी यहाँ सब कुशल मंगल है। अरे वाह, और अपनी गाय ने एक और बछड़ा दिया है, क्या बात है। शिवा शिवा की जोड़ी कंप्लीट हो गई। वाह वाह, अगली छुट्टियों में माधवी और सोनू दोनों को यहाँ लेकर आना। पता है तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, लेकिन तुम्हें भी छुट्टी लेने का हक है। खुश रहो, तुम तीनों को आशीर्वाद, हमारा विनायक काका। वाह 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 काका काका, अरे क्या खुशखबरी दी है आपने, मजा आ गया। वाह, माधवी और सोनू को एक खुशखबरी देता हूँ। नहीं, चेक के बारे में अभी नहीं बताता। क्या है? अरे ये सीट बेल्ट। माधवी, अब इन पैसों से तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। माधवी और सोनू बहुत खुश होंगे, ऐसा जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट दूंगा ना, देखना, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। वाह 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 आत्माराम, क्या आइडिया सोचा है तुमने। माधवी और सोनू दोनों बहुत खुश होंगे। अरे खुशी की बात है माधवी, तो खुश तो होंगे ही ना। अच्छा मुझे बताइए ना, क्या खुशी की बात है? कल बताऊंगा। क्यों कल? क्यों? सरप्राइज है। सरप्राइज पता है मुझे। तुम्हें पता है? आपका सरप्राइज मतलब वड़ा पाव। वड़ा पाव? वो क्या है, कल बारिश हुई ना, मस्त तो मौसम था, तो आप तो वड़ा पाव ही खिलाएंगे ना मुझे हर साल की तरह। मैं खर संगू का इसको ना सरप्राइज बोलना बंद कर दीजिए आप, इसको परंपरा बोलते हैं। वो वड़ा पाव वाले को भी पता होगा, बारिश हुई मतलब भीड़े भाई हजर। आना आना वड़ा पाव आना। अरे 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 माधवी, क्या माधवी तुम भी, मैं तुम्हें भाव में ना समाने वाली खुशियां देने की बात कर रहा हूँ और तुम चुटकी पर खुशियों की बात कर रही हो। पूरे सरप्राइज का पोपट कर दिया मेरे। सॉरी सॉरी। अच्छा बताइए क्या खुशी की बात है, क्या है आपका सरप्राइज? मैंने कहा ना कल बताऊंगा, अभी बैंक जा रहा हूँ। बैंक? अभी अचानक? चेक डिपॉजिट करना है ना। किसका, किसने दिया? नहीं मतलब अभी मैं सोसाइटी ऑफिस जाऊंगा, वहाँ से चेक उठाऊंगा, जेब में रखूंगा और फिर ये डिपॉजिट करने बैंक जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। चलो मैं जाके आता हूँ। सरप्राइज होता, कल ही पता चलेगा। कमाल है। अरे सोड़ी है ना मुझे सरप्राइज में मदद करने के लिए। पहले बैंक जाता हूँ फिर सोड़ी के पास जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं बैंक गया और सोड़ी बाहर चला गया तो पहले सोड़ी को मिलता हूँ फिर बैंक जाता हूँ। आया आया, ओए बिड़ू मेरा यारा, वेलकम। धीरे बोलो धीरे बोलो। बिड़े भाई आवनी आवनी, वैसे वैसे। रोशन बिड़ू के लिए भी लस्सी लेकर आ। रोशन तू इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहा है बाबा? बिड़ू ने कहा है धीरे से बोलने के लिए। नहीं नहीं तू बोल जोर से बोल। और रोशन बिड़ू के लिए भी लस्सी लेकर आ। अरे जोर से मतलब चिल्ला के नहीं, तू नॉर्मल बोल। ओ पिड़ू तू पहला ये डिसाइड कर ले कि मैं धीरे बोलूं, जोर से बोलूं या नॉर्मल बोलूं। नहीं नॉर्मली बोल तू भाई। ओ पिड़ू तू सवेरे सवेरे मेरा क्या आवाज का लेवल चेक करने आया, तू की टाइम पास कर रहा है? अरे टाइम पास करने नहीं आया भाई, मुझे तुमसे एक काम है। तो बोल। वो मैं बोलता हूँ, रोशन भाभी आप जरा लस्सी बनाइए ना, तब तक हम लोग जरा जाके आते। चल कितने जाना है? अरे मैं बोलता हूँ ना तुम्हें, चल चल चल। अरे
पीड़ू भाई लस्सी तो पीकर जाइए। आप लस्सी बनाइए तब तक हम लोग जाके आ जाएंगे। हाँ पर पीड़ू जाना कितने? अरे क्लब हाउस जाना है भाई। हाँ चल 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 चल। भिड़े भाई पर कमाल छे। हाँ पीड़ू अजीब कर रहे हो तू, मुझे ऐसे क्यों ला रहे जैसे किडनैप करके ला रहा हो? मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छा जो भी बातें बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद इमीडिएटली रिएक्ट मत करना, चिल्लाना मत, धीरे से बोलना। लेकिन बात क्या है? बात दरअसल ये सोड़ी के मुझे ना एक सेकंड हैंड बढ़िया सी लेकिन सस्ती कार खरीदनी है। कार? तू कार लेने वाला है? हाँ। ओ मेरा यार कार लेने वाला है। ओ पिडू, ओ मैं इतना खुश हूँ। ओए पूरी सोसाइटी को टोल बजा के बताऊंगा मेरा यार। थोड़ी शांति रख। मैंने बोला था ना भाई इमीडिएटली रिएक्ट मत करना, जरा शांति से मेरी बात सुनना, धीरे बोलना, और तुम चिल्ला रहे हो। अरे पिडू क्यों धीरे बोलूं? ओ मेरा यार गड्डी ले रहा है। ओ ये सुन के तो दिल खुश हो गया। ओ ये खुशखबरी तू अगर घर पे सुनाता तो रोशन भी सुन के खुश हो जाती ना। मैं अभी सही है। अरे क्योंकि मुझे रोशन भाभी को नहीं बताना है। क्यों? तेरी रोशन से कोई नाराजगी है? वो इतनी बड़ी खुशखबरी तू रोशन को नहीं बताना चाहता? अगर उसे नहीं बताना चाहता तो मुझे भी नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो सोड़ी, ये बात मैंने माधवी को भी नहीं बताई। मतलब तेरी माधवी वाणी से भी नाराजगी है? एक नाराजगी नहीं रही, ये बात मैं माधवी और सोनू को नहीं बताना चाहता। मैं समझ गया, मैं समझ गया। माधवी वेणी और सोनू को सरप्राइज देना चाहता है। हाँ। रोशन को भी सरप्राइज देना चाहता है। थोड़ी तुम तो जानते हो ना कि लेडीज लोग के पेट में बात टिकती नहीं है। अगर मैं रोशन माधवी को ये बात बता देता तो बात उड़ते उड़ते माधवी तक पहुंच ही जाती। करेक्ट है, पर तू फिक्र ना कर, वो तेरी सरप्राइज सरप्राइज ही रहेगी। ओए डंडा ना डन। ये अंकल और सोड़ी अंकल क्लब हाउस में कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हैं? अच्छा अभी मुझे ये बता कि सेकंड हैंड बढ़िया कार कहाँ मिलेगी? ओ हो 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 हो, पीड़े अंकल कार खरीद रहे हैं। हुआ क्या सोच रहे हो? पीड़ू तू कार ले रहा है, मेरा यार गड्डी ले रहा है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे मुबारक लख लख बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस। अरे पहले कार को खरीदने तो दे उसके बाद बधाई देना, अभी तुम ये बताओ कि सेकंड हैंड कार जल्दी मिल सकती है ना? ओए पिडू कुछ पैसा हो तो कार क्या, तू हवाई जहाज भी ले सकता है। वैसे पिडू तेरा बजट क्या है? मेरा बजट 4 लाख रुपए। 4 लाख? क्यों मेरे पास 4 लाख नहीं हो सकते? नहीं नहीं क्यों नहीं हो सकते। हाँ तो बता ना, 4 लाख में अच्छी सी कार मिल जाएगी ना? अरे हाँ हाँ पिडू मिल जाएगी। कोई सेकंड हैंड गड्डी के लिए इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। कोई प्री ओन्ड कार खरीदनी या बेचनी हो ना, उसके लिए बेस्ट जगह है मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू शोरूम। अच्छा? हाँ, वो पूरे भारत में जगह जगह पे मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू के शोरूम है, जहाँ एक से बढ़िया एक टॉप क्लास की प्री ओन्ड कार मिलती है, वो भी बजट में। लेकिन वहाँ पे जो कार मिलती है उस कार की कंडीशन तो अच्छी होती है ना? ए पिडू तो कंडीशन की फिक्र ही मत कर, वो सिर्फ कहने के लिए प्री ओन्ड कार होती है, वरना कंडीशन A1 चकाचक एकदम नई गाड़ी की तरह। अरे वाह, फिर तो मैं कार उसी शोरूम से लूंगा। अच्छा सोड़ी, थोड़ी देर बाद हम लोग शोरूम में जाएंगे। क्या है, अभी मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे चेक डिपॉजिट करना है। तो ठीक है, तू अपना बैंक का काम निपटा के सीधा गैराज आ जाना, वहां से साथ में चलेंगे। ठीक है। ओ सुन पिडू, तू सखाराम को मत लेकर आना, बारिश का टाइम है, सखाराम भीग जाएगा और हम दोनों भी। तू गैराज पहुंच जाना, वहां से 1 बजे हम गड्डी लेकर शोरूम के लिए निकलेंगे। 1 बजे डन। मतलब दोनों अंकल 1 बजे कार लेने जाएंगे, आज के आज? हाँ। अच्छा सोड़ी, ये कार वाली बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे तू फिकर ना कर, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, और तू भी किसी को मत बताना। चला था, चला। छावा मुझे देखा नहीं, लेकिन बीड़े अंकल आपका सीक्रेट मुझे पता चल गया। खेलो छे। तू अकेले?
पीड़ू भाई किधर है? तो पीड़ू को ना बैंक का कोई अर्जेंट काम आ गया था तो वो वहीं से निकल गया। तूने तो कहा था भेड़े भाई को तुझसे कुछ जरूरी काम है। हाँ जरूरी काम था ना, ऑफिस का लीकेज दिखाने ले गया था। फोटो तुझे क्लब हाउस ले गए थे ना? हाँ तो फिर हम लोग क्लब हाउस भी गए थे। पर अभी तो तूने कहा लीकेज देखने के लिए सोसाइटी ऑफिस गए थे। ओए मेरी पोली पार्सन, क्या हुआ ना जब हमने ऑफिस में लीकेज देखा तो हमें डाउट हुआ कि कहीं क्लब हाउस में भी ना लीकेज हो, तो इसलिए हम दोनों फिर ऑफिस से क्लब हाउस गए। रोशन चौकस लीकेज का चक्कर है, ये लिखकर का चक्कर है। ए, नहीं 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 सुनियो, सच्ची सच्ची बोल, तुम लोग पार्टी शार्टी का तो प्लान नहीं कर रहे हो ना? तो ठीक गल कर रही है रोशन, कोई पार्टी शार्टी किए तो जमाना हो गया। तो फिर भी तेनू मेरे ते डाउट है ना, तो आज रात को मैं जल्दी आ जाऊंगा और फिर तेरी आंखों की गहराई में डूब जाऊंगा। चाल चाल वे रोशन, मैंने अभी दो ग्लास लस्सी तेरे लिए और भेड़े भाई के लिए बनाई थी, दो मिनट उनको लेकर आता ना। मेरी रसमलाई, वो तू चिंता ना कर, वो तेरे हाथ की बनी हुई लस्सी को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। वो एकदम से खिंच जाना है मैंने, बॉटम साप मतलब कि टॉप टॉप फिनिश। तूने पूरी लस्सी पी ली, डोडो। अरे मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, पर एक कंप्लेंट है। ये लस्सी में ना तेरे जैसे मिठास नहीं थी। चल चल वे, चल चल छेती कर फटाफट, मेरा बैग और मेरा वॉलेट दे दे। क्या है ना, मुझे पहले गैराज पहुंचना है, फिर गैराज से मुझे मारुति सुजुकी के ट्रू वैल्यू के शोरूम में भी जाना है। रोशन तू हमारे लिए कार लेने वाला है? नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा, दरअसल मेरा दोस्त ले रहा है, उसने मुझे फोन किया, वो सोनी तू फ्री है तो आ जा, वो पुराना यार है, तू ना भी नहीं बोल सका। छेती कर, छेती कर। पीड़े अंकल का इतना बड़ा सीक्रेट मुझे पता चल गया। पीड़े अंकल कार खरीद रहे, कार, ओ माय गॉड, इतना मजा आएगा, सोनू माधवी आंटी और पीड़े अंकल वो कार में घूमेंगे, सेल्फीज लेंगे। गोली गोली पुत्र जी। सोड़ी अंकल, अरे इसे कल्ला खड़े खड़े की सोच रहे हैं? कार के बारे में की? सरकार के बारे में। सोड़ी अंकल मैं सोच रहा था कि हमारी सरकार को ना ऐसा सब्जेक्ट रखना चाहिए जिसमें दुनिया की सारी खाने की जो डिशेज है ना उनके बारे में नॉलेज मिले। पुत्र ऐसा तो सिर्फ तू ही सोच सकता है। सोड़ी अंकल गोगी घर पे क्या कर रहा है? नहीं नहीं गोगी घर पे नहीं है, वो जरा छतरी को पंचर लगवाने, मतलब कि छतरी खराब होगी ना उसे रिपेयर करवाने गया है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, रब रखा। सोड़ी अंकल, सोड़ी अंकल आप कुछ भूल रहे हैं? नहीं तो सोड़ी अंकल आज कुछ स्पेशल है? नहीं आपको मुझे कुछ बताना हो ऐसा कुछ है? मुझे तुझे कुछ वो क्या बताना है? देखिए सोड़ी अंकल आपको अगर मुझे कुछ बताना हो ना बिंदास बता दीजिए, हमारे बीच ही रहेगी ये सीक्रेट। मुझे क्या बताना है? तो आपको पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा? मुझे कुछ नहीं पता। आपको एक बात मुझे बतानी चाहिए। कौन सी बात? यही कि आज बारिश कम होगी कि ज्यादा? गोली पुत्र इस सवाल का जवाब पे तुझे कल दूं तो चलेगा? नहीं कल मुझे भी पता होगा ना कि आज बारिश ज्यादा गिरेगी या कम। माहौल है, माहौल बना रहा थी। खुश रहो पुत्र, खुश रहो। सोड़ी अंकल भले ही आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया लेकिन मुझे पता चल गया है, भीड़े अंकल कार ले रहे हैं। ये न्यूज सुन के सोनू कितनी खुश हो जाएगी। सोनू को बता देता हूँ। नहीं एक मिनट, सोनू को बताना चाहिए या नहीं?
नहीं 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 नहीं, सोनू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। और वैसे भी हम टप्पू सेना का रोल है, कोई बात कभी भी किसी से छुपाते नहीं है। सोनू को फोन करके जल्दी से क्लब हाउस बुलाता हूँ। हेलो सोनू, हेलो पिंकू। हाय फ्रेंड, बोली बता बता क्या ब्रेक कितनी है? खड़ी हो जा सोनू, खड़ी हो जा। बोली अब बता भी क्या न्यूज़ है? कब से इसको पूछ रहे, बता ही नहीं। अरे गोली बता ना भाई। बताता हूँ फ्रेंड, एक मिनट। अरे कर जा, दरवाजा क्यों बंद किया? न्यूज़ ही ऐसी है तो बताना, इतनी देर से बिल्डअप क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसी ब्रेकिंग न्यूज लाया हो सोनू, जिसको सुन के तो यकीन नहीं करेगी आई एम श्योर। लेकिन ये सुन के भीड़े फैमिली के लाइफ में बहुत सारी खुशी आने वाली है। सोनू के लिए रिश्ता है? गोगी क्या कुछ भी बोल रहा है, अभी तो मुझे पढ़ लिख कर आई बाबा का नाम रोशन करना है। गोली तू जल्दी बताना क्या न्यूज है? अरे सोनू बताता हूँ यार, गुड न्यूज ना मिठाई जैसी होती है, उसका आनंद धीरे धीरे उठाया जाता है, इसे एक साथ नहीं खा लेनी चाहिए। ठीक है धीरे धीरे बता, लेकिन बता तो सही। सोनू तेरे पापा फ्रेंड्स हमारे बीड़े अंकल और ये गोकुलधाम सोसाइटी के एक्ट मेंबर सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। कैसा काम? क्या सोनू फ्रेंड भिड़े अंकल गाड़ी खरीद रहे पुत्री। कांग्रेचुलेशन सोनू, कांग्रेचुलेशन। की बात पे विश्वास कर रहे हो? ये मजाक कर रहा है गाइस। और गोली तूने इस मजाक के लिए मुझे यहाँ बुलाया, मैं जा रही हूँ फ्रेंड, बाय। अरे सोनू यार रुक जा यार, बात तो सुनना है यार प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। भीड़े अंकल और सोडी अंकल यहाँ पे क्लब हाउस में बात कर रहे थे गाड़ी लेने की, और वो लोग 1 बजे गाड़ी लेने जा भी रहे। अच्छा तो उन्होंने ये सारी बातें तेरे सामने कही? मेरे सामने नहीं की, लेकिन वो लोग क्लब हाउस में ये बात कर रहे थे, तभी मैं दरवाजे पे आया और मैंने सब सुन लिया। गोली मजाक ही करना था तो ऐसा मजाक करता जिस पर मैं यकीन कर पाती। देख हमारे घर में कोई छोटी चीज भी आती है ना तो उससे पहले बाबा आई और मेरी पसंद जानते हैं। तो ये गाड़ी तो इतनी बड़ी चीज है, पॉसिबल ही नहीं है गोली। मैं मानता हूँ सोनू, लेकिन भीड़े अंकल ने तुझे और माधवी आंटी को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनको तुम लोगों को सरप्राइज देना है। गोली अभी बहुत ज्यादा मजाक हो रहा है। हाँ गोली तेनू पता है एक गड्डी कितनी महंगी आती है? वो लखों में आती है, लखों में। अरे पता है कोकी, भीड़े अंकल सूर्य अंकल ये भी बात कर रहे थे। भीड़े अंकल तकरीबन कुछ 4 लाख के करीब गाड़ी खरीदने वाले। 4 लाख? बोली 4 लाख हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और हम सब भीड़े अंकल को जानते हैं, भीड़े अंकल तो बचत किंग है, बचत किंग। एग्जैक्टली, वो कार ले ये पॉसिबल ही नहीं। आई अग्री विद सोनू। अरे यार तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार मेरा विश्वास कर लो। अच्छा एक बार बैठो प्लीज सोनू, बैठना यार, बैठना यार, बैठना। कैसे विश्वास कर रहे हो यार? बैठो यार एक बार, सोनू मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैंने सुना भीड़े अंकल गाड़ी खरीद रहे, और फ्रेंड मैं ये भी बता सकता हूँ कि भीड़े अंकल गाड़ी ले कहाँ से रहे। गोली मुझे तेरी बात पर विश्वास है ही नहीं। अच्छा ठीक है, सोनू तो विश्वास नहीं कर रही है मेरे बातों पे, फ्रेंड तुम लोग तो करो। चल गोली एक बार के लिए मान लेते हैं कि तू जो कह रहा है वो सच है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा और भीड़े अंकल कोई दूसरी गल कर रहे हो और उनको पता चल गया हो कि तू छुपकर उनकी गल सुन रहा है, इसलिए तेरे साथ मजा किया हो। हाँ ये हो सकता है, बाबा और सोडी अंकल ने तुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये मजाक किया हो। हाँ। छोटा बच्चा हो क्या, बेवकूफ बन जाऊंगा? मैं और कितनी बार बोलूं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ठीक है सच है, तुझे सच लगता है तू मान, मुझे नहीं मानना।
और ना ही मुझे तेरा ये मजाक और सुनना है। मैं जा रही हूँ। अरे यार बाय फ्रेंड। ओए गोली तेरा मजाक फेल हो गया, मैंने भी नहीं सुन रहा यार। चल गोली चल। तू क्या जा रहा है यार, तू तो मेरा विश्वास कर। अरे गोली मैं तो विश्वास कर लूं लेकिन उससे क्या होगा? देख मुझे सोनू को प्रूव करना है मैं बेवकूफ नहीं बनाऊं और भीड़े अंकल गाड़ी ले रहे हैं और ये तो मैं प्रूव करके ही रहूंगा। तू कैसे करेगा प्रूफ बता? देख अब ठीक एक घंटे में भीड़े अंकल बैंक से सोडी अंकल के गैरेज जाने वाले और सोडी अंकल के गैरेज से जाने वाले गाड़ी लेने के लिए। हाँ तो रुक जा। अरे बाप रे ये देख गोली कितने सारे शोरूम जम और हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन से शोरूम जा रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए? ये पता लगाने के लिए हम सोडी अंकल के गैरेज जाएंगे और फिर वहां से उनका पीछा करेंगे। अरे पर मैं क्यों आऊं? क्योंकि तू मेरा दोस्त है यार, पिंकू इतनी मदद नहीं करेगा। चल ना यार सोचने का टाइम नहीं। एक मिनट एक मिनट बोली, हम भीड़े अंकल और सोडी अंकल का पीछा करेंगे और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? हाँ नहीं उनका पीछा करेंगे तो पकड़े जाने के चांसेस तो हैं। हाँ तो ये प्लान कैंसिल करते हैं भाई। अरे तू क्या पोपट अंकल की तरह कैंसिल कैंसिल बोल रहा है, रुकना कुछ सोचने देना। हाँ ऐसा कितनी बार हुआ है जब पोपट अंकल ने किसी केस की सच्चाई जानने के लिए अपना गेटअप चेंज किया है, हम भी अपना गेटअप चेंज करके उनका पीछा करते हैं तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। आइडिया तो अच्छा है गोली लेकिन हम कैसे गेटअप बदलेंगे और कहां से कॉस्ट्यूम लाएंगे इतने जल्दी? तो पोपट अंकल ही हमारी मदद करेंगे ना। रुक उनको मैं फोन करता। कर कर कर। पोपट अंकल बोल बोल गोली बेटा कैसे याद किया? अरे पोपट अंकल आपका एक काम है अर्जेंट। अरे बोलना भाई, टप्पू सेना मेरी फेवरेट है। आप लोग एक क्या 10 काम बोल सकते हैं अपने पोपट अंकल को, बोल बोल। नहीं नहीं पोपट अंकल अभी तो फिलहाल एक ही काम है। बोल बोल भाई बोल। वो अंकल हमें मतलब मुझे और पिंकू को किसी का पीछा करना है गेटअप चेंज करके ताकि हम लोग पकड़े ना जाए, तो आपके पास किसी ड्रेस वाले का नंबर होगा? किसका पीछा करना है और क्यों करना है भाई? ये सब ये पीछा वीछा करने वाले मिशन जो होता है ना उसमें बहुत रिस्क होता है, तुम लोगों को कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं पोपट अंकल डोंट वरी, हमें बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है और कोई खतरा नहीं। हाँ और हमें पीछा सिर्फ हमारे दोस्त का ही करना है पोपट अंकल। हाँ? तो टेंशन मत लीजिए। हाँ ये मस्ती वाला मिशन है एकदम टाइम पास। ओ अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो हमारे एरिया में कोई ड्रेस वाले का नंबर हो और एड्रेस हो तो भेजिए ना। है ना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से हम सरदार चौक की तरफ जाते हैं ना वहाँ पर A to Z ड्रेस वाला है, दुकान के मालिक का नाम जीवन है, मुझे जानता है मैं उससे बात कर लूंगा। वो ऐसे नाटक सीरियल कॉलेज के फंक्शन उन सब में ड्रेस कॉस्ट्यूम सब ऐसे देता है, आपको वहाँ पे हर चीज मिल जाएगी, तरह तरह के ड्रेसेस मिलेंगे, दाढ़ी मूछ जो चाहिए सब मिल जाएगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू। एक मिनट पोपट अंकल ये बात सोसाइटी में किसी को भी गलती से मत बताना। क्यों? वो क्या फिर मिशन सॉल्व करने के बदले हमें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ठीक है भाई नहीं बताऊंगा। अच्छा पोपट अंकल वो ड्रेस वाले का नंबर और एड्रेस प्लीज भेज दीजिए ना। भेजता हूँ अभी अभी तुम्हारा फोन रख के मैं भेजता हूँ और फिर उससे बात भी कर लेता हूँ। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। अरे एनी टाइम, और हाँ बाद में बताना कि तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल रहा कि नहीं। 100% डन 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 डन। ऑल द बेस्ट बच्चों। ओके थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। आ गया। चलो नाइस, पोपट अंकल ने वो ड्रेस वाले का नंबर और एड्रेस दोनों भेज दिया है। चल 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 पिंकू जल्दी जाता है, हमें वहां जाकर 30-40 मिनट तो लग ही जाएंगे गेटअप चेंज करने में। हाँ और वहां से गैराज 15-20 मिनट ही दूर है, हमारे पास बहुत कम टाइम है गोली, हमें जल्द से जल्द करना होगा सब। चल 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 पिंकू जल्दी निकलते हैं, भीड़े अंकल और सोडी अंकल के गैराज से निकले उससे पहले हमें वहां पहुंचना है, नहीं तो अगर हम लोग नहीं पहुंचे और हमारे पहले भीड़े अंकल पहुंच गए तो मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि भीड़े अंकल गाड़ी सच में ले रहे। अरे चल 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 जल्दी चल। जीवन अंकल। हाँ हाँ मैं ही हूँ, कहिए। आपको पोपट अंकल का फोन आया था ना? हाँ हाँ पोपट साहब ने बताया था कि पिंकू और गोली आएंगे। हाँ आपको वो पहचान में ना आए ऐसा गेटअप बदलना है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर कोई लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं नहीं अंकल कोई लफड़ा नहीं, आप चाहे तो पोपट अंकल को फोन कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ, एक से एक कपड़े है मेरे पास, देखिए आप ये देखिए।
ये हैं, ये देखिए ये भी हैं, और ये देखिए ये तो बहुत अच्छा है, ये देखिए नहीं, 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 ये भी है। काम कीजिए अंकल, हमें वो नाटक का रोल नहीं करना है, हमें वो ना नॉर्मल कपड़े जो रस्ते पे लोग पहनते ना वैसे कपड़े चाहिए। हाँ, जिसमें हम एकदम कंफर्टेबल हो और उसमें हम पहचान में भी ना आए। हाँ, ऐसे वाले बताइए। अच्छा ठीक है, वैसे कपड़े इनके साइज के तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके साइज के तो नहीं होंगे। एक भी नहीं। एक कॉस्ट्यूम है लेकिन। लेकिन क्या अंकल, लेकिन छोड़िए, सब चलेगा। हाँ नहीं मतलब आप कंफर्टेबल तो होने चाहिए ना। अरे मैं सब में कंफर्टेबल होता हूँ, आप दिखाइए ना, चलेगा चलेगा। पक्का 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 पक्का। बस आप दिखाइए, चलिए बस आइए। हाँ चल चल। अरे हो गया बेटा। हाँ हाँ अंकल, कैसा लग रहा है? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। पर वो गोली कहाँ है? गोली? चल भाई जल्दी, कितना टाइम आया? 2 मिनट। अरे वाह, तुम तो पहचान में नहीं आ रहे हो। हाँ यार गोली, तू तो सच में पहचानने में नहीं आ रहा है। हाँ ना यार, वो तो ठीक है, लेकिन पिंकू यार अंकल सही कह रहे थे, कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है यार। हाँ कोई नहीं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए पहनना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ एकदम पति पत्नी की अच्छी जोड़ी लग रही है आप दोनों की, है ना? चल पिंकू। एक मिनट गोली, तू है ना लेडीज बना है, तू ना लेडीज की तरह ही बात करना थोड़ा सा। और हाँ भाई, कहीं खाना दिखे ना तो ललचा मत जाना प्लीज। ठीक है धनी साहब, थारो को सर आंखों पे। अंकल हम हमारे पर्सनल कपड़े ना यहाँ पे रख के जा रहे हैं, जब ये कपड़े हम लोग रिटर्न करने आएंगे ना तब पर्सनल कपड़े लेके जाएंगे, तब तक पर्सनल कपड़ों का ध्यान रखना अंकल। हाँ हाँ, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थैंक यू। चलिए धनी साहब, सॉरी अंकल के घर आ गए। थैंक यू। चल चल चल। गोली, हम एक बजने के पहले आ गए चूड़ी अंकल के गैराज। यार पहुंच तो गए, लेकिन ना यार ये जो गेटअप है ना बहुत इरिटेट कर रहा है यार, अनकंफर्टेबल। अब तेरे साइज में यही गेटअप अवेलेबल था भाई, और कुछ मिल ही नहीं रहा था। अगर तुझे नहीं पहनना है ना तो तू बोल दे, हम ये मिशन कैंसिल कर देते। क्या मिशन कैंसिल कर देते? बिल्कुल कैसी बातें कर रहा है, मिशन तो करना ही ना ऑब्वियसली, दोनों को प्रूव करना है कि मैं सही था और ना ही मैं बेवकूफ बनाऊं, ना ही मेरा मजाक उड़ाया गया है। हाँ। यार गुली, सोनी अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे यार। हाँ यार वही, ये भीड़े अंकल और सोनी अंकल शोरूम के लिए निकल तो नहीं गए? यार तू तो हमारा पूरा मिशन फ्लॉप। अरे नहीं 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 यार, ऐसा प्लीज मत बोल, रुक जा मैं गैराज में जाके पूछ के आता हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये लेडीज के गेटअप में गैराज में जाके क्या पूछेगा? नहीं नहीं गोली भाई, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, तू यहीं रुक, हम यहीं वेट करते हैं। अंकल ने तो हमें पहचाना ही नहीं, मतलब हमारा मिशन और इजी हो गया। ओ पिडू, तू आ गया। चलो थैंक गॉड, भिड़े अंकल ने हमें ना पहचाना और ना ही भिड़े अंकल और सोडी अंकल शोरूम के लिए निकले, अब हम उनका पीछा करेंगे। यार गोली, भिड़े अंकल आए तो सही, अब मुझे तेरी बात पे 110% भरोसा है। देखना अब भिड़े अंकल सोडी अंकल का पीछा करेंगे और मैं सोनू को प्रूव कर दूंगा मैं सही था। चल चल, इनका पीछा करने के लिए टैक्सी ढूंढ के रेडी रखते। लस्सी वस्सी मंगाओ। अरे फिर से लस्सी? घर पे भी लस्सी, यहाँ भी लस्सी, लस्सी की कितनी मार्केटिंग करोगे सोड़ी? लस्सी नहीं चाहिए मुझे, मेरा बैंक का काम हो गया है, हमें कार के शोरूम में जाना है, तुम तैयार हो ना? हाँ चल निकलते। तो किस पे जाना है? अरे यारा, अरे तेरी सवारी तो मेरे दोस्त की गड्डी है, इसी में जाएंगे, इसी बहाने इसकी टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी। ओए हैप्पी, तो ग्राहक का ध्यान रखी, मैं घंटे भर में आता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, आजा बिडू।
आखिर इनकी गाड़ी तो निकल गई। चलना टैक्सी में बैठना। जल्दी कर गोली। उस गाड़ी का पीछा करना। पीछा करना क्या? कोई लफड़ा है क्या? कोई लफड़ा ना है भाई साहब। लफड़ा नहीं है तो फिर पीछा क्यों करना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे भाई साहब कोई गड़बड़ ना है। वो असल में बात ऐसी है कि वो गाड़ी में ना हमारे चाचा सा हैं और उनका मजाक करने के लिए उनका पीछा करना है। वो बात ऐसी है भाई साहब कि मेरे चाचा सा ना गाड़ी खरीद रहे हैं और उन्होंने ये बात अपनी चाची साहब को नहीं बताई। तो चाची साहब भड़क गए और हमें बताया कि जाओ चाचा साहब का पीछा करो और पता लगाओ वो कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं। तो जाना बहुत जरूरी है, आप जल्दी चलाइए ना। चलिए भाई साहब प्लीज प्लीज। ओए इतनी खुशी ओए पिड़ू, ये सोच के मेनू कितनी खुशी हो रही है कि मेरा यार मेरा पिड़ू गड्डी ले रहा है। लेकिन पिड़ू ओए गड्डी आ जाने के बाद हम यारों को पार्टी शारी देनी पड़ेगी। हाँ वो तो बाकी बात है, सोड़ी पहले गाड़ी पसंद तो आने दे। ओए ओए आएगी, पसंद आएगी। थोड़ा जल्दी चलाइए ना अंकल। गोली कैरेक्टर कैरेक्टर। अरे भैया इतना जल्दी भी मत चलाइए, चाचा साहब की गाड़ी से आगे थोड़ा ना जाना है। ये शोरूम तो एकदम नए कार के शोरूम जैसा लग रहा है भाई। और नहीं तो कि मैं तुम्हें ऐसी वैसी जगह थोड़ा ना लेके आऊंगा। और गोली सोनू और गोगी तेरी बात को मान नहीं रहे थे लेकिन भीड़ अंकल तो सच में गाड़ी ले रहे यार। बोला था ना मैंने, बोला था, लेकिन सोनू मेरे बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे और तुम लोग भी नहीं कर रहे थे। चल चल सोसाइटी चलते हैं और अब मैं और सोनू और गोगी को बोलूंगा कि भाई तू सच कह रहा था। चल चल चल। नहीं 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 अभी तो तू रुक, अभी तो भीड़ अंकल कौन सी गाड़ी ले रहे, कौन से कलर की गाड़ी ले रहे और कितने की गाड़ी ले रहे ये भी मैं सब कुछ पता करके ही सोनू को बताऊंगा। तू चल। ए भाई गोली तू भूल गया, तू लड़का नहीं लड़की है। तो साड़ी और वीक तो पहनी है ना? साड़ी और वीक पहनी है गोली, लेकिन अंदर है ना बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो लड़की की तरह रखता है, ठीक है? और आवाज भी राइट। हाँ रुक जा। परफेक्ट चलिए चलो।